हेलो दोस्तों, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल हब के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो पेट के लिए चार चांद लगाने वाला है। पेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शानदार वीडियो साबित होने वाला है। पहला ये जीके का वीडियो, ऐसा वीडियो जो 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे तो आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं किसको कितना आता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साथ साथ में मैथ के वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो यहां से ऑप्शन आपका तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, ऑप्शन दोस्तों। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का पहला आपका ऑप्शन राइट हो गया। शुरुआत शानदार हुई है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन और डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और शानदार तरीके से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका चरक संहिता संबंधित है किससे, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित। तो चरक की बात आएगी तो चरक दोस्तों चिकित्सक हुए हैं, तो चरक संहिता का संबंध भी चिकित्सा से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, चार नंबर, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दोस्तों दादा भाई नौरोजी को जाना जाता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और एक बात बता दूं, गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रैंड ओल्ड मैन का संबंध दादा भाई नौरोजी, यानी उन्हें ही बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दोस्तों प्रथम एशियाई कौन थे, प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने भारत का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान लिखा, राष्ट्रगान लिखा है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, ठीक है। तो आपका प्रथम एशियाई व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता वो ऑप्शन सी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है, तो पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध। तो सबसे पहले आपका बुध आता है, बुध आता है अगर क्रम में देखें हम सूर्य से नजदीक के क्रम में देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ऐसे आपके ग्रह आते हैं। तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है, मरकरी भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्लियर है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, संतरे में बहुतायत में क्या होता है। बहुतायत में आपका ऑप्शन ए है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो संतरे में बहुतायत में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी से कौन सा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्तों, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी की बात करें तो मेरे दोस्तों आंवला में पाया जाता है, ठीक है, और विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप वीडियो में आए हैं तो मैं आपको बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका राइट जवाब क्या हो गया, विटामिन सी, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है, 60%, 75, 80 या 100%। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 75%, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का मेरे दोस्त नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। क्लियर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो हम सबने पढ़ा है
क्या है प्रकाश वर्ष? दोस्तों लंबी दूरी को, यानी अगर पृथ्वी से आकाश की दूरी को नापना हो तो हम प्रकाश वर्ष में ही नापते हैं, ठीक है। बहुत लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की गलत है। एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की गलत है। एक वर्ष, और यहाँ डी ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्योंकि ये भी गलत ही है, हवाई जहाज की गति की, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो गया 10 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठोस चालक में धारा वाहक कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या नॉन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो ठोस चालक में धारा वाहक दोस्तों कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन क्या है? सी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में आपका माइनॉरिटी के हित निहित हैं, यानी अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, 24, अनुच्छेद 29 या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? अल्पसंख्यकों के हित जो हैं निहित हैं वो उससे संबंधित आपका अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है आपका, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से धुआंधार शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जेएल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव? तो दोस्तों संविधान सभा में जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा वो थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला शानदार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट डाल लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किस आर्टिकल से संबंधित है? दोस्तों मैं सीधे सीधे आपसे कहता हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 21A से, ठीक है। कक्षा 8 तक यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 21A हो जाएगा इसका राइट जवाब। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है दोस्तों? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में। और किस जिले में? राजस्थान के नागौर जिले में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या फिलहाल सी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का संबंध दोस्तों राज्य सूची से है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। ऑप्शन बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन सी आपका फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन या ऑप्शन डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो फेमा का पूर्ण रूप जो है वो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्या है? 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी 100 रुपए के नोट पर कौन सिग्नेचर करता है? आरबीआई गवर्नर, राष्ट्रपति भारत का, या वित्त मंत्री, या वित्त सचिव? तो दोस्तों 100 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर ही साइन करता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, ठीक है। तो आपका फिलहाल ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 100 रुपए के नोट पर गवर्नर साहब करते हैं साइन। अगला आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपका असम फेमस है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। असम की चाय दुनिया भर में पी जाती है, हम सब जानते हैं। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। और केरल में आपकी साइलेंट वैली, शांत घाटी है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। अगला और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वसंत विशु होता है कब होता है? 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर? तो वसंत विशु कब होता है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, 21 मार्च को होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने शानदार तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन आपको, T20 हमने खेला है, टॉप 20 क्वेश्चन तैयार करवाए जो पूछे गए हैं। मिलते अगले वीडियो में, तो
तब तक के लिए अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए। जय हिंद।